एवरीवन। हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज हीना वलेचा और आज की हमारी रेसिपी है दाल पकवान। ये सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है और स्टार्ट करेंगे बनाना इसको। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आज हम बनाएंगे दाल पकवान। दाल पकवान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल। ये चने की दाल है, इसको मैंने आधा घंटा सोक कर लिया वार्म वाटर में, अच्छी तरह से वॉश करके दो तीन मिसल लगा के सिम पर इसको हाफ एन आवर मैंने रख दिया, सॉल्ट और हल्दी डालकर और पानी डालकर, और उसको एक मशी कंसिस्टेंसी का मैंने बॉईल कर लिया है। ये मैंने बॉईल करके रखा है, ये देखेंगे इसमें कुछ नहीं है, सिंपल नमक और हल्दी डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और बॉईल इतना करना है इसको कि ये इस कंसिस्टेंसी की आ जाए, लाइक जो चने की दाल है वो दिखनी भी चाहिए और थोड़ी मशी कंसिस्टेंसी की भी होनी चाहिए। इस तरीके से हमें बॉईल करना है। तो दो तीन विसल लगा के अगर आप आधा घंटा उसको विसल को सिम पर रख देंगे तीन गुना पानी डालकर, तो ये इस कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। नॉर्मल सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। प्लेन हमें चने की दाल को 3 times वाटर डालकर, सॉल्ट और हल्दी डालकर 3-4 विसल्स लगानी है। उसके बाद आधा घंटा सिम पर लो फ्लेम पर रख देना है। उसके बाद प्रेशर रिलीज होने के बाद जब हम खोलेंगे तो वो इस कंसिस्टेंसी की दाल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ हमने दाल रेडी कर लिया है। उसके बाद हम लगाएंगे पकवान बनाने का डो। तो पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया ऑल पर्पज फ्लोर मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में हम डालेंगे जीरा, और ये 1 चम्मच घी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लाइक पूरे मैदा को हमको मोइन कर लेना है, अच्छी तरह मोइन करके पानी डालकर मैं इस कंसिस्टेंसी का हम इसको गूंद लेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो सुजीत जी, हेलो प्रदीप जी, हेलो कुसुम जी, हेलो कीरत जी, हेलो दीपक जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो मैदे के अंदर हमने नमक और जीरा डालकर, 1 चम्मच घी डालकर, अमूल घी डालकर उसको अच्छे से मोइन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इस कंसिस्टेंसी का आटा गूंदना है। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, इस कंसिस्टेंसी का हम आटा लगा लेंगे। मैदे से गूंदेंगे, मतलब मैदा फ्लावर लेना है हमको, ऑल पर्पज फ्लावर लेना है, उसके अंदर सॉल्ट और जीरा डालना है और 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से रब करेंगे और पानी डालकर इस तरीके से हमें आटा गूंद लेना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी गूंद कर रखा है और इसको ढककर हम आधा घंटा के लिए रख देंगे आटे को। तो ये आटा मैंने ऑलरेडी गूंद कर रखा है और इसने ये आटा आधा घंटा रेस्ट मतलब हो चुका है, इसको रेस्ट कर चुकी है। अब हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर तो जस्ट अ मोमेंट, तो यहाँ चकला को हम ड्राई करेंगे और हम अब उसके बेले पे बनाएंगे पकवान। ये पकवान का डो हमारा लग चुका है, इसको एक थोड़ा सा हम दोबारा से नीट कर लेंगे और इसके बनाएंगे पकवान। बाद में हम दाल में तड़का लगाएंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके साथ के जो एलिमेंट्स है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें इसके साथ चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे पकवान। या मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर रही हूँ और उसको हम बेलेंगे।
clear? तो आप इसको जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। मैंने इसको पतला बेल लिया है और अब एक नाइफ की हेल्प से मैं इसके इसको प्रिक कर लूंगी। इस तरीके से हमें इसमें छेद कर लेने हैं, या आप फोक की हेल्प भी ले सकते हैं। फोक की हेल्प से भी इसके अंदर ऐसे प्रिक करके हम इसमें होल्स बना लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं और एकदम क्रिस्प रेडी होंगे। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, विल जस्ट चेक कि ऑयल गरम हुआ है या नहीं। ऑयल गरम हो गया है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे पकवान। अब देखेंगे ये मैंने ये जीरा है और इस तरीके से हमने पतले से ये पकवान बना लेने हैं और इसमें पतले पतले मैंने होल्स कर दिए हैं और थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे कि होल सारे खुल जाए हल्का हल्का इस तरीके से। और अब मैं इसको कर लूंगी फ्राई। यहां पर ऑयल गरम हो गया और इसको हम कर देंगे फ्राई। और इसको हमें तब तक फ्राई करना है लो फ्लेम पर जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रिस्प होने के लिए ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए हमें इसको फ्राई करना है। और इसके ऊपर मैं जो ये स्पून है इसके ऊपर ही रख दूंगी, जैसे वो अंदर ये जो पकवान है ये अंदर ऑयल में डिप्ड रहे, इससे ये प्रॉपर इवनली कुक होता है और क्रिस्प हो जाता है। तो यहाँ मैं ये स्पून है वो उसके ऊपर ही रख दूंगी कि ये बिल्कुल अंदर जैसे डूबा रहे ऑयल में। तब तक मैं एक और बेल लूंगी। और लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, पहले मीडियम करके फिर लो फ्लेम कर देना है जिससे ये एकदम क्रिस्प हो जाए। तो यहाँ दूसरा भी मैंने बेल लिया है, देखेंगे उसको मैं फिर से एक नाइफ की हेल्प से प्रिक कर रही हूँ। इस तरीके से हम बेल लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी के नीचे मैं डाल दूंगी, दोनों इकट्ठे फ्राई होते रहेंगे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल बेस को बेलने का और सर्व करने का। एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं दोबारा से बेल रही हूं। हम दो टाइप की प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी, ट्रेडिशनल स्टाइल में और मॉडर्न स्टाइल में। हमने सिंपल दाल बॉईल करके रखी है, पकवान का आटा लगाया, पकवान फ्राई हो रहे हैं। अब जो ये जो
मॉडर्न स्टाइल में मैं कह रही हूँ प्रेजेंटेशन करने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा लंबा बेल लूंगी इस तरीके से, थोड़ा सा लंबा बेलेंगे हम उसको। और इसकी स्ट्रिप्स मैं कट कर लूंगी, पहले इसको प्रिक कर लेंगे उसके बाद कुछ स्ट्रिप्स में काट लूंगी। यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है और मैं इसको टर्न कर देती हूँ जब तक ये फ्राई हो रहा है। तो ये हमने बेल लिया और प्रिक कर लिया, इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूंगी इस तरीके से। हमें ब्रॉड स्ट्रिप्स कट करनी है। इस तरीके से। और इसको भी हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ ये पकवान फ्राई हो रहे हैं, आपको मैं दिखा दूँ। तो इसको एक गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। हेलो अर्चना जी, हेलो रजिया जी। आज हम बना रहे हैं दाल पकवान। ये एक सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसको हम एक मॉडर्न ट्विस्ट भी देंगे, साथ में हम इसको एक मॉडर्न ट्विस्ट देंगे और साथ में एक ट्रेडिशनल वे से, जिस तरीके से ट्रेडिशनली इसको सर्व किया जाता है, दोनों वे में मैं आपको सर्व करके बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। हमने दाल को सिंपल बॉईल कर लिया, चने की दाल को एक इस कंसिस्टेंसी का, इस टेक्सचर का हमने चने की दाल को बॉईल कर लिया है। लाइक वो मशी एक सार भी हो जानी चाहिए और साबुत भी रहनी चाहिए इस तरीके से। और इसको सिंपली हमने बॉईल करके रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक तड़का लगाऊंगी एंड देन इसका कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पकवान बन जाए, यहाँ मैंने दो पकवान फ्राई होने रख दिए हैं और ये स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। इसको भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ, धीरे धीरे ये भी फ्राई होते रहेंगे जब तक ये हमारे पकवान फ्राई हो रहे हैं, इसके साथ साथ ये स्ट्रिप्स भी फ्राई हो जाएंगी नीचे। तो ये एक पकवान हमारा रेडी हो गया, एक पे गोल्डन कलर आ गया इस तरीके से और मैं इसको निकाल लूंगी। दूसरी स्ट्रिप्स भी हमने फ्राई कर लिए हैं। और इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जैसे ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाए इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इस पे गोल्डन कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्प हो गया है। लाइक ये अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं है, ये कड़क हो गया बिल्कुल। तो जब तक ये हमारे पकवान रेडी हो रहे हैं, तब तक हम बना लेंगे एक ग्रीन चटनी। अब ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया, एक कटोरी धनिया, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, एक टुकड़ा टमाटर का और साथ में डालेंगे हम इमली। ये इमली मैंने भिगो कर रख ली है और इसमें कोई सीड्स नहीं है, खाली इमली का पल्प है
और अब हम इसकी एक ग्रीन चटनी बनाएंगे। मैंने एक कटोरी धनिया लिया है, थोड़ी सी मैंने इमली ली है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें नमक डालेंगे, आधा प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डालकर इसकी मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी। जब तक ये हमारे पकवान भी फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर जार में सबसे पहले मैं इमली डाल दूंगी, उसके बाद डालेंगे हम धनिया, एक टुकड़ा मैंने टमाटर का डाला है, कुछ हरी मिर्च डाली है और अदरक डाली है, और साथ में डालूंगी मैं आधा प्याज, उसको भी कट करके डाल लेंगे, और डालूंगी सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ हमारे ये जो पकवान है ये रेडी हो गया, और मैं निकाल लेती हूँ उनको भी, तो ये मैं बास्केट में डाल देती हूँ। इस तरीके से ये जो हमने स्ट्रिप्स कट करी थी ये भी गोल्डन हो गई है, और मैंने इसको निकाल लिया है और बास्केट में रख लिया है। तो यहाँ हमारे पकवान तो रेडी है, अब हम दूसरे कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे। दाल हमारी बॉइल हो चुकी है, और अब हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जार में डाल दिए हैं, साथ में मैं डालूंगी नमक। इमली है तो नमक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूं मैं नमक, क्योंकि ग्रीन चिलीज और जो इमली है तो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगी, तो थोड़ा सा हमें हायर साइड पे नमक को डालना है। तो मैं इसको ब्लेंड करके आती हूँ। ये चटनी मैंने ब्लेंड कर ली है, और आप देखेंगे ये इस टेक्सचर की है, इसको भी मैं कटोरी में निकाल लूंगी। साथ में अब हमारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो है ये ग्रीन चटनी, हरी मिर्च, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, हरी चटनी और एक मीठी चटनी भी हम ऊपर डाल सकते हैं। तो ये मीठी चटनी है इमली और गुड़ की, ये मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी है। तो अब हम इसका करेंगे एक तड़का लगाएंगे दाल पर और करेंगे इसका प्रेजेंटेशन। तो यहाँ दाल जो हमारी सिंपली बॉइल हुई हुई है इसके ऊपर मैं दूंगी एक तड़का। यहां पर मैं ले रही हूं एक चम्मच अमूल घी, घी गरम हो रहा है, इस तरीके से घी गरम हो गया। इसमें मैं डालूंगी जीरा, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, जीरा क्रैक हो रहा है।
इसमें डालेंगे हम देगी मिर्च और ये मैं दाल के ऊपर डालूंगी। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल जीरा और लाल मिर्च का मैंने इस पे तड़का दिया है। इस तरीके से सिंपल प्लेन बॉइल्ड दाल पर मैंने जीरा और लाल मिर्च का छौंक लगा दिया है, एक तड़का दे दिया है। तो ये हमारी दाल रेडी है, ये हमारी चटनी रेडी है, साथ में प्याज टमाटर हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, धनिया और मीठी चटनी। तो अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो ये कटोरी में सबसे पहले मैं डाल दूंगी दाल। इसके ऊपर डालेंगे हम प्याज, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में डालेंगे हम ये ग्रीन चटनी और इसके ऊपर डालूंगी मैं ये मीठी चटनी। इस तरीके से हमारी ये दाल जो है ये सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। इस तरीके से और इसको हम सर्व करेंगे हम पकवान के साथ। तो यहाँ हमारे ये पकवान जो है ये ऑलरेडी फ्राई हो गए हैं, आप देखेंगे ये और ये हमारी दाल जो है ये रेडी है। आई होप आपको ये आज की रेसिपी क्लियर होगी। एक हम इसका मॉडर्न प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहां पर मैंने ले लिए ये शॉट ग्लासेस। अब इन शॉट ग्लासेस को हम दाल से फिल कर लेंगे। तो ये एज अ स्नैक्स का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर आपको स्नैक्स में इसको सर्व करना है। तो ये मैं शॉट ग्लासेस में दाल को डाल दूंगी। इसी तरीके से हमें सारे कंपोनेंट्स इसके ऊपर डाल लेने हैं, लाइक प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च मीठी चटनी हरी चटनी, ये सब हम इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरीके से और सब कुछ मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, लाइक थोड़ा सा टमाटर सारे शॉर्ट ग्लासेस में हम डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा थोड़ा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, और जो ये हमने ये पकवान के डो से जो हमने स्ट्रिप्स कट करी थी वो मैं इसके साथ सर्व कर दूंगी इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। बहुत ही डिलिशियस लगती है ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। एज अ ब्रेकफास्ट हम इसको बनाते हैं, स्नैक्स में भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से हम इसकी मॉडर्न प्लेटिंग कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको सर्व कर सकते हैं, या तो हम पकवान के ऊपर
प्लेट में दाल को डाल देंगे तो पकवान रखेंगे, उसके ऊपर दाल डालेंगे, सब चीजें डाल देंगे, लेकिन वो जब आपको खाना हो आपको उसी टाइम सर्व करना पड़ेगा। या तो आप सेपरेटली बोल में दे सकते हैं या उसके ऊपर डाल देंगे, लेकिन ऊपर जब आपको खाना होगा आप उसी टाइम उसके ऊपर डालेंगे, नहीं तो जो पकवान है वो गीला हो जाएगा और आपको खाने में मजा नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से हमने बनाया दाल पकवान के शॉर्ट्स और दाल पकवान। आई होप आपको आज की रेसिपी क्लियर होगी। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो यहाँ पर ये हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टा पेज इज हीना वलेचा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।